चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त प्रकार की आदि व्याधि उपाधि से न्यारा त्रिकाल चैतन्य असुर अनादि काल से एक समय के लिए भी किसी भी प्रकार के संयोग और संयोगी भाव मेरा रंच मात्र भी अहित नहीं कर सके, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूँ। मैं त्रिकाल निर्भय हूँ, मैं त्रिकाल चैतन्य रस से भरपूर हूँ। मेरे चैतन्य किले में किसी भी शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता। फिर वह शत्रु मोह रूपी शत्रु भी क्यों ना हो, मैं मोह रूपी शनि की पनौती से न्यारा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। देह की मृत्यु होने से कोई बचा नहीं सकता। और चैतन्य परमात्मा को कोई मार नहीं सकता। ऐसा त्रिकाल चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। जीवन में पहाड़ जैसी भी प्रतिकूलता आए, तो भी रंच मात्र भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। चैतन्य परमात्मा में न आकुलता है न निराकुलता है।
ऐसा त्रिकाल अनाकुल चैतन्य परमात्मा मैं हूं। शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, मन की बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, ऐसा मैं त्रिकाल स्वस्थ चैतन्य परमात्मा हूं। दुख मेरे निकट आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं स्वयं ही आनंद से भरपूर चैतन्य परमात्मा हूं। मीठे रस से भरपूर जैसे शक्कर है, खारे रस से भरपूर जैसे नमक है, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा आनंद रस से भरपूर हूं। मुझे एक समय के लिए भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं परमात्मा को भी पूजता हूं उस भावना से कि मैं स्वयं परमात्मा पद को प्राप्त हूं। जिस चैतन्य परमात्मा में अनंत परमात्मा लीन हुए हैं, इस चैतन्य परमात्मा स्वरूप में मैं लीन हूं, तभी संसार चक्र की शनि की पनौती दूर होगी। आत्मा में जो विकार पैदा होता है यही तो पनौती है। क्रोध मान माया लोभ की विकृति ही तो पनौती है। ईर्ष्या और वासना यही तो पनौती है। धन पद प्रतिष्ठा के पीछे ये जो दौड़ है यही तो पनौती है। अनंत चक्रवर्तियों से भी, वैभवों से भी, संपत्ति से भी महान ऐसा ये मनुष्य का भव मिला है, मगर पल पल इस मनुष्य भव को बर्बाद कर रहे हैं यही तो पनौती है। एकमात्र चैतन्य स्वरूप का स्वीकार हो, देह छूटे तो भले छूटे, मेरा आनंद स्वभाव नहीं छूटता। यह शरीर ये राग की दीवार बिखर जाए तो बिखर जाए, मगर मेरे चैतन्य महल को कुछ भी नहीं होता। ऐसा मैं त्रिकाल सदा सुरक्षित चैतन्य महल हूं। मिथ्यात्म से बड़ी पनौती और कौन होगी।
मैं चैतन्य सूर्य हूँ, मैं स्वयं ही चैतन्य रवि हूँ, और मिथ्यात्व के शनि की पनौती से भयभीत हूँ। मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही चैतन्य रवि हूँ, मैं स्वयं ही चैतन्य सोम हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं चैतन्य असु हूँ, मैं चैतन्य चांद हूँ, मैं ही रवि हूँ, मैं ही सोम हूँ, मैं ही त्रिकाल मंगलमय चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं स्वयं ही बुद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। स्वयं को शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा माना, तभी गुरु का शुक्रिया अदा किया और तभी मिथ्यात्व की शनि की पनौती दूर हुई। मैं स्वयं चैतन्य रवि हूँ, मैं स्वयं के स्वरूप को भूलकर ही अनंत दुखी हुआ। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर यही जागृति कि मैं चैतन्य असु, चैतन्य असु, चैतन्य असु ही हूँ। चैतन्य, 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 Thank you.